और यूपी के इटावा में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान ऐसी धक्का मुक्की हुई कि विधायक साहिबा पटरी पर ही गिर गईं। ये इटावा रेलवे स्टेशन है जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की ऐसी होड़ मची कि धक्का मुक्की में इटावा सदर की विधायक सरिता भदौरिया प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई और विधायक साहिबा नीचे गिर गई। लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल बीजेपी विधायक आगरा से वाराणसी के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन को इटावा स्टेशन पर हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। जब बीजेपी विधायक प्लेटफॉर्म पर खड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रही थी, उसी समय धक्का मुक्की में एक पुलिसकर्मी का बैलेंस बिगड़ा, जो कि बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया के ठीक पीछे खड़ा था। धक्का विधायक तक भी आया, जिसकी वजह से वो अपना संतुलन खो बैठी और सीधे रेलवे ट्रैक पर गिर गई। महिला विधायक के पटरी पर गिरते ही हड़कंप मच गया। कई लोग उन्हें उठाने के लिए एक पटरी पर कूदे। हालांकि इस बीच ट्रेन ने हॉर्न भी दे दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने ट्रेन चालक को आगे बढ़ने से रोकने का इशारा किया और जैसे तैसे बीजेपी विधायक को प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया गया। प्लेटफॉर्म पर दोबारा चढ़ने के बाद बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया ने ट्रेन को फिर हरी झंडी दिखाई, जहां पूर्व इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया भी मौजूद थे।